हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम कुछ बहुत कुछ पढ़ चुके थे और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। क्या सिचुएशन है हमने देखा था पिछले क्लास में, और क्या पढ़ रहे थे वो आप पिक्चर देख कर ही पता चल रहा होगा आपको क्या पढ़ रहे थे। भाई यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है उसी से याद पड़ रहा है आपको कि क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे हम। और देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। किसकी बातें कर रहे थे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था, और काफ़ी कुछ पढ़ने के पश्चात प्यारे दोस्तों आज हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसकी बात करते हैं भाई, मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करते हैं। देखिएगा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खोज की जाती है प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम हम राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। कब की जाती है? 1922 में की जाती है। कब की जाती है भाई? 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज कर दी जाती है। कौन सी? मोहनजोदाड़ो सभ्यता की। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदाड़ो जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? मृतकों का टीला। क्या होता है भाई? मृतकों का टीला इस शब्द का अर्थ होता है, अर्थात यहाँ से मृतकों के कई सारे कंकाल मिले हैं, इस कारण से मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे कंकाल मिलने के कारण। चलिए इसका स्थान या लोकेशन इसकी देखी जाए प्यारे दोस्तों, तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है। कौन सा जिला है भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है, और लरकाना जिले में इस सभ्यता की हमें जानकारी देखने को मिलती है, अर्थात ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में विकसित हुई है। कहाँ से विकसित हुई है भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में विकसित होती है। कौन सी? ये सभ्यता। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ये कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है भाई? नदी की बात करें तो ये जो सभ्यता विकसित होती है प्यारे दोस्तों, यह होती है हमारी सिंधु नदी के तट पर। कौन सी? सिंधु नदी के तट पर ये विकसित होती है। कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है भाई? ये सिंधु नदी के तट पर विकसित होती है, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित होती है प्यारे दोस्तों? ये सिंधु नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित होती है? मोहनजोदाड़ो सभ्यता विकसित होती है। और कौन से तट पर? ये दायां तट पर। कौन से तट पर? दायां तट पर ये सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, इसके पश्चात बात करें तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखिएगा विशाल इमारत, इस स्थल की विशाल जो इमारत है या सबसे बड़ी इमारत, जो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है भाई? आपका अन्नागार है। अन्नागार इस तरीके से बना हुआ तो होता था, और अन्नागार होने के साथ साथ प्यारे दोस्तों इसमें अन्न रखा जाता था। क्या? अन्न यानी अनाज भरा जाता था। क्या रखा जाता था? इसमें अनाज भरा जाता था। इस तरीके का एक बहुत बड़ा विशाल हुआ करता था, और इसमें क्या भरा जाता था भाई? अन्न भरा जाता था। और अन्न भरा जाने के कारण कहा जाता है कि इस अन्न का उपयोग ये साल भर के लिए करते थे, बरसात से बचाने के लिए, या फिर बात करें हम इससे बचाने के लिए प्यारे दोस्तों, बरसात के टाइम पर इससे पानी से बचाने के लिए इन कोठियों में भर दिया जाता था। ये अन्नागार बड़ा सा विशाल इमारत है, जबकि सार्वजनिक देखा जाए तो सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत जो सामाजिक कार्यों में काम ली जाती थी वो स्नानागार हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई? वो स्नानागार हुआ करता था। इसका महत्व क्या था प्यारे दोस्तों? अर्थात धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था। किसके? कौन से अवसरों पर? धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था। ये देखिए वो पूरा का पूरा बड़ा 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 सा एक धार्मिक आयोजन के लिए तैयार है आपका स्नानागार, यानी कि बाथरूम। इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। स्नानागार को ग्रेट बाथ कहा जाता है। जॉन मार्शल ने इसे तात्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसके द्वारा कहा गया? इसे कहा गया भाई जॉन मार्शल के द्वारा। इसे तात्कालिक विश्व की विराट वस्तु क्या कहा गया? तात्कालीन या विश्व की विराट वस्तु कहा गया। विश्व की विराट वस्तु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे विश्व की विराट वस्तु भी कहा जाता है या संज्ञा दी जाती है। ये जॉन मार्शल के द्वारा किसको कहा गया? इस स्नानागार को। ये कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ये क्या है? स्नानागार है प्यारे दोस्तों। क्या है ये? ये एक स्नानागार है। इसकी बात करें तो उत्तर और दक्षिण की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। ये बन रही है सीढ़ियां, ये बन रही थी। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। इसकी लंबाई देखी जाए तो 39 फिट मानी जाती है। कितनी इसकी लंबाई? कितनी? 39 फिट मानी जाती है। इसकी चौड़ाई 23 फिट मानी जाती है और इसकी गहराई जो कितनी मानी गई है भाई? 8 फिट इसकी गहराई थी। अर्थात कितना गहरा था ये? 8 फिट तक गहरा था। और इसमें स्नान करने का कार्य किया करते थे धार्मिक अवसरों पर, किसी सामाजिक पर्व कर या मेलों के अवसर पर, या पवित्र स्नान करने का कार्य कौन से स्थान पर किया जाता था? मोहनजोदाड़ो के स्नानागार में किया जाता था भाई। और बात करें यहाँ पर जो हमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों, तो ये सारी की सारी जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व, इसको स्टार लगाकर देख लेना भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में लगभग दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब हमने बात की थी एक मुद्रा पर तीन मुख वाले अंकन यानी कि एक मुद्रा पर किसका अंकन मिला है? तीन मुख वाले एक सन्यासी का या साधु का चित्र मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है इसे आद्यतन शिव कहा जाता है या पाशुपति शिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाशुपति नाथ भी कहा जाता है। ये देखिएगा, एक मुद्रा बनी हुई है और ये मुद्रा है, इसका वास्तविक रूप जो देखा जाए प्यारे दोस्तों, इसका वास्तविक रूप पहले टूटा हुआ था। ये कोणा है इसका, टूटा हुआ था, और ये कोणा टूटा हुआ था तो इसको क्या किया सरकार ने? इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद इसका वास्तविक रूप ऐसा दिखाई दिया गया। कैसा दिखाई दिया भाई? ऐसा दिखाई देने लगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है प्यारे दोस्तों, देखिएगा क्या कंडीशन है भाई। यहां पर देखा जाए तो इस मुद्रा के ऊपर, किस मुद्रा के ऊपर? जो मोहनजोदाड़ो से जो मुद्रा मिली है उसके ऊपर एक, ये देखो सन्यासी बैठा है। इसके तीन मुख है, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, और एक एक सामने भी मुख दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीन मुख है, और तीन मुख होने के साथ साथ प्यारे दोस्तों, तीन मुख होने के साथ साथ इसके आसपास कुछ चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई? कुछ चित्र बने हुए हैं, और कुछ चित्र काय काय के बने हुए हैं? ये नीचे देख रहे हैं आप, बकरे या हिरण के तरह दिख रहे हैं, और दो हिरण बने हुए थे। कितने बने हुए थे यहाँ पर? दो हिरण के चित्र देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो हिरण के चित्र बने हुए हैं। ये सन्यासी बैठा हुआ है, सन्यास के अर्थात यहाँ योग की अवस्था में ये बैठा हुआ है, और योग की अवस्था में बैठने के साथ साथ यहाँ पर एक गेंडे का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर एक बेल का चित्र बना हुआ है, ये बेल का चित्र बना हुआ है, और इधर जो बना हुआ है इधर हाथी का चित्र बना हुआ है, और एक ये व्याघ्र का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। क्या बना हुआ है भाई? ये व्याघ्र का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। किसका? व्याघ्र का चित्र बना हुआ है। व्याघ्र तेंदुआ वगैरह जो होता है वो व्याघ्र कहलाता है प्यारे दोस्तों, उसका चित्र यहाँ पर ये बना हुआ है। इसके बाद बात करें तो ये ऐसा चित्रांकन मिला गया है, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ की लिपि में लिखा हुआ है, जो चित्राक्षर लिपि हुआ करती थी उसमें लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ने में सफलता आज दिन तक किसी को प्राप्त नहीं हुई भाई। ये किसका चित्र है हम देख रहे हैं? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किसका चित्र? ये पूरा का पूरा एक मोहर है। ये क्या है भाई? एक मोहर है। ये क्या है? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर है। इस मोहर पर ये दो हिरण बने हुए हैं नीचे, और दो हिरण के ऊपर ये समाधि सी लगी हुई है, और इस समाधि पे ये सन्यासी बैठा हुआ है। इस तरीके के ये दो सिंह टाइप इसके मुकुट बना हुआ है, ये हाथी, ये सॉरी ये गेंडा, ये बेल, ये हाथी, और इधर व्याघ्र का चित्र बना हुआ है। ऐसा चित्र देखने को हमें मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोहर है,
उसी का मतलब अपडेट वर्जन है ये मेरे द्वारा जो बनाया गया था भाई, इस तरीके से समझाया निकलिए। इस पर दो हिरण, जॉन मार्शल ने इसे आद्यतन शिव कहा। क्या कहा भाई? जॉन मार्शल ने इसे आद्यतन शिव कहकर संबोधित किया, और आद्यतन शिव अर्थात तो इसे पाशुपति शिव भी कहा गया। क्या कहा गया? पाशुपति शिव भी कहकर संबोधित किया, अर्थात तो उस जमाने में लोग शिव की आराधना किया करते थे, इस कारण इसे आद्यतन शिव कहकर संबोधित करने का कार्य किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा भाई। इसके बाद बात करें, इसके बाद जो हमारे सामने जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, क्या क्या और चीजें यहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ से देखने को मिलती है हमें, जहाँ पर कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क हुआ है, कुषाण शासक कनिष्क ने मोहनजोदड़ो में एक स्तूप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई? एक स्तूप का निर्माण करवाया था, और उस स्तूप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है, एक टीला बना हुआ है, जिस पर एक बड़ा सा स्तूप बना हुआ है, जिसके ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है, नीचे के भाग को तोरण द्वार कहा जाता है। ये जो बना हुआ है हर्मिका और तोरण द्वार देख रहे हैं, स्तूप का चित्र देख रहे हैं आप, ऐसे कैसे स्तूप का चित्र जो आपके सामने लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, इस तरीके का ये स्तूप का चित्र है। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और बात करें, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चला करती थी प्यारे दोस्तों, वो शासन व्यवस्था कौन सी चला करती थी? यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था न होकर यहाँ पर गणतंत्रात्मक कौन सी, या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी? जनतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है प्यारे दोस्तों? ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। ये कौन से स्थान से मिले हैं हमें? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये भी हमें जानकारी मोहनजोदड़ो से मिलती है। किसके द्वारा? देखिए, कुषाण शासक कनिष्क ने यहाँ पर निर्माण करवाया इसका, स्तूप का, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो देखे प्यारे दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की दो राजधानियां कहा। को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा? जुड़वा राजधानी कर बताया। क्या बताया? सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी बताया। किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या? सिंधु घाटी की, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? राजधानी कहा। क्या कहा भाई? ये किसने कहा? जॉन मार्शल ने। किसने कहा? सॉरी, पिगट महोदय ने। किसने कहा? पिगट महोदय के द्वारा क्या कहा इनको? सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इनकी जुड़वा राजधानी किसने बताया? पिगट महोदय ने बताया। चलेगा और आगे बात करें, और आगे देखें तो ये कि यहाँ पर एक ये इस तरीके का चित्र दिखाई देता है आपको, और इस चित्र पे क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ प्यारे दोस्तों। और इस तरीके का ये बड़ा सा जो चित्र दिखाई देता है आपको, चित्र पर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? चलिएगा देखिए, ये मंगोलियन पुजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है, ये क्या कहा जाता है इसको? एक मंगोलियन पुजारी कहा जाता है। ये बढ़िया सा अच्छा सा फोटो लगा हुआ है, और फोटो लगने के साथ साथ क्या बना हुआ है भाई? फोटो लगने के साथ साथ यहाँ पर जो बात करें तो फोटो लगने के साथ साथ क्या है यहाँ पर भाई? चलो देखिए, ये मंगोलियन पुजारी कहा गया, एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की एक प्रतिमा प्राप्त होती है, और इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? एक मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई। किसकी? ये पाषाण प्रतिमा है। क्या है ये पाषाण प्रतिमा है। कौन सी है ये पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये क्या है? ये एक पाषाण प्रतिमा है, जो इसके दाढ़ी आई हुई है। क्या दाढ़ी आ रही है?
दाढ़ी आई हुई है, आई हुई है, ठीक है, दाढ़ी आई हुई है, अर्थात दाढ़ी शेट करा रखी इसने, बढ़िया मोदी जी की तरह बढ़िया लग रहा है, और इस तरीके से दाढ़ी आई हुई है इसके। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ये बढ़िया शेप में इसके एक तिलक भी लगा हुआ है, तिलक भी लगा हुआ है इसके, क्या लगा हुआ है, इस प्रतिमा के तिलक भी लगा हुआ है, तिलक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई है, इसे किसकी संज्ञा दी गई है भाई, इसे मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई है। ये जो प्रतिमा देखने को मिलती है, जो ये आपके सामने क्या ये प्रतिमा है प्यारे दोस्तों, ये किसकी प्रतिमा मानी जाती है, एक मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा मानी जाती है, जो कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। चलिएगा और बात करें तो देखिएगा और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ से। यहाँ से नर्तकी का चित्र मिलता है, और नर्तकी का कैसा चित्र मिलता है भाई, यहाँ से कांसे की, इसकी भाई कांसे की नर्तकी का नृत्यरत नारी की प्रतिमा मिलती है, कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, कि कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा। ये प्यारे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, जी डांस करती हुई एक नारी दिखाई गई है, नाचती हुई नारी दिखाई गई है आपके सामने, तो ये किसकी है, कांसे की बनी हुई है, बनी हुई है भाई, ये कांसे की बनी हुई है, कौन सी धातु से बनी हुई है, कांसे से बनी हुई है, और ये नारी की प्रतिमा मानी जाती है, ठीक है। नृत्यरत नारी की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है हमें, मोहनजोदाड़ो से, कहां से प्राप्त होती है भाई, मोहनजोदाड़ो से, कहां से, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ये प्रतिमा हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। और बात करें तो यहां पर और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है प्यारे साथियों, मोहनजोदाड़ो से महाविद्यालय भवन के साथ से, इसके साथ से मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर महाविद्यालय भवन कॉलेज हुआ करता था, क्या हुआ करता था भाई, उस जमाने में भी पढ़ाई हुआ करती थी, तो कॉलेज के हमें साक्ष्य मिले, कॉलेज में हमें सभा भवन के साक्ष्य मिले, इसके साक्ष्य मिले हैं, सभा किया करते थे लोग, उपस्थित होकर वहां पर उपदेश दिया करते थे या उपदेश सुना करते थे, जिसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है, क्या मिला है भाई, हाथी का कपाल खंड, अर्थात हाथी की खोपड़ी मिली हमें, कहाँ से प्राप्त हुई है भी, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है। और बात करें घोड़े के दांतों के साक्ष्य, सॉरी हाँ, घोड़े के दांत के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, किसके दांत भाई, घोड़े के दांत हमें प्राप्त हुआ है। और बात करें एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया है, वो कौन से चित्र में, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त चित्र में एक व्यक्ति को बकरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया है। के यू आर केनेडी ने कहा जाता है इस सभ्यता का पतन जो माना है वो संक्रामक रोग से माना, किस रोग से माना है भाई, संक्रामक रोग से इस सभ्यता का पतन केयूआर कैनेडिया के द्वारा माना गया है। और बात करें यहां पर देखिएगा, इस संक्रामक रोग से और इससे पता चलता है, इसके पतन का तो पता चलता है, लेकिन यहां से हमें कंकाल मिले हैं, और कंकाल मिलने के बाद यहां से मलेरिया बीमारी के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई, हमें प्राप्त होते हैं कौन सी सभ्यता से, मोहनजोदाड़ो से हमें कौन से मलेरिया रोग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हहैं। तो इसका जो कहा जाता है, इसका पतन जो हुआ वो संक्रामक रोग के कारण माना जाता है, किसके कारण माना जाता है भाई, संक्रामक रोग के कारण इसका पतन माना जाता है, कौन सी सभ्यता का, मोहनजोदाड़ो सभ्यता का। तो ये चीजें आपको ध्यान रह जाएगी प्यारे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी एक एक चीज, सबसे पहले इसकी खोज देखी, खोज किसने की, और खोज के पश्चात राखल दास बजरजी ने की, वो इसका जो है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। इसके बाद क्या देखा हमने देखा कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है, ये सारी चीजें हमने देखी।
के बाद इसका ये मोहर देखी, मोहर के बाद हमने ये देखा स्तूप देखा, इसके बाद हमने क्या देखी, विकट मोदी ने इसको जुड़वा राजधानी कहा, ये प्रतिमा देखी, ये नृत्यरत नारी की प्रतिमा देखी, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिया। अब बात करने जा रहे हैं हम चन्हु दड़क की। फिर तो अब जो सभ्यता है यहां तक तो शायद समझ में आ ही गया होगा आपको, और अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कौन सी सभ्यता है प्यारे दोस्तों, वो है सभ्यता की हम बात करें ये है चन्हु दड़ो। कौन सी सभ्यता प्यारे दोस्तों? चन्हु दड़ो। चन्हु दड़ो कौन सी सभ्यता भाई? चन्हु दड़ो सभ्यता। चन्हु दड़ो सभ्यता, चन्हु दड़ो सभ्यता, चन्हु दड़ो स्थल जो है प्यारे दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है चन्हु दड़ो। और चन्हु दड़ो की जो सभ्यता है ये किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से किसके द्वारा विकसित की गई इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिएगा चन्हु दड़ो की बात करें तो चन्हु दड़ो कहाँ का स्थल है, किस तरीके से है, सारी चीजें सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं, किसकी बात करें, इसकी खोज की बात करें। इसकी जो खोज की गई प्यारे दोस्तों, इसकी खोज 1931 में की गई। कब की गई भाई? 1931 में की गई। और इसकी खोज जो की गई वो एनजी किसके द्वारा? एनजी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एनजी मजूमदार। इसका पूरा नाम क्या था भाई? नानी गोपाल, नानी गोपाल मजूमदार। क्या था? मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसकी खोज? चन्हु दड़ो की खोज की जाती है नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों, क्या हुआ ही? चलिए कोई नहीं, चलिए इसकी खोज हो गई। इसके बाद इसका उत्खनन क्या करें? इसका उत्खनन जो करवाया जाता है प्यारे दोस्तों, इसका उत्खनन जो करवाया गया, ये उत्खनन करवाया गया अर्नेस्ट मैके के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मैके के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1935 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1935 में करवाया गया, 35 में करवाया गया। ठीक है, का उत्खनन जो करवाया गया, इसकी खुदाई जो करवाएगी अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाएगी। कब करवाई गई? 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया जाता है। नानी गोपाल ने इसका क्या किया? खोज की, और खोज करने के बाद इसको क्या किया? इसको उत्खनित करवाया अर्नेस्ट मैके ने। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई प्यारे दोस्तों। अब हम जो बात करने जा रहे हैं क्या क्या और सिचुएशन देखिएगा। अब चन्हु दड़ो एक क्या था प्यारे दोस्तों? ये एक औद्योगिक नगर था। क्या था भाई? ये एक क्या था? औद्योगिक नगर था। कौन सा नगर था ये? औद्योगिक। कौन सा नगर था भाई? औद्योगिक नगर था। कौन सा नगर था? औद्योगिक नगर था। चन्हु दड़ो कौन सा नगर था? ये औद्योगिक नगर था। ठीक है, अब चन्हु दड़ो औद्योगिक नगर था, तो आपको पता है इस औद्योगिक नगर में हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं भाई? इस बात करें तो इस औद्योगिक नगर की बात करें पहले साथियों, इस औद्योगिक नगर में देखिएगा क्या सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कारखाना होगा बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा कारखाना लगा होगा, औद्योगिक नगर है तो लगा होगा, नहीं होगा लगा होगा, बढ़िया सा बिल्डिंग बनी होगी, और बिल्डिंग बनी होगी तो क्या करेंगे भाई? बिल्डिंग बनी है, बड़ी सी बिल्डिंग बनी होगी, और बड़ी सी बिल्डिंग बनी होने के बाद क्या करेंगे? आपको पता है ही सही भाई, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, क्या बनी होगी? ये बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, तरीके का बड़ा सा ये बिल्डिंग बनी हुई है, डिजाइनिंग वाली बिल्डिंग बनी हुई है, तार ऊपर लगा हुआ है, और इस बिल्डिंग के ऊपर अब इसका गेट होगा ही सही। यहाँ पर क्या होगा भाई? ये बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग का दरवाजा यहाँ होगा, होगा नहीं होगा?
यहाँ पर बढ़िया दरवाजा बना हुआ और इस दरवाजे, ये क्या है, कारखाना, अर्थात औद्योगिक नगर है तो कारखाना होगा ही होगा, होगा नहीं होगा, बड़ा सा कारखाना होगा। और इस कारखाने में, अब आपको पता है प्यारे दोस्तों, औद्योगिक नगर है, किसका नगर है, ये है मनके बनाने का कारखाना, किसका भाई, मनके बनाने का कारखाना है, किसका, मनके बनाने का, किसका, मनके बनाने का कारखाना, क्या है, मनके बनाने का कारखाना है, मनके बनाने का कारखाना है प्यारे दोस्तों। अब इसमें मनके बनाने का कारखाना है तो अब आपको पता है कि जब औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है तो अब आपको पता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ के लिए आयात निर्यात भी करना पड़ेगा। उद्योग धंधे किससे चलते हैं, आयात निर्यात करेंगे, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, दूसरी वस्तु को तीसरे स्थान पर ले जाएंगे, अर्थात माल को ले जाने लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें यहाँ से इक्का गाड़ी की जानकारी की प्राप्त हुई, यहाँ से इक्का गाड़ी की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, किसकी, इक्का, इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी की जानकारी भी हमें मिलती है, क्या मिलती है, इक्का गाड़ी की जानकारी मिलती है यहाँ से, क्या मिलती है, जानकारी यहाँ से मिलती है, अर्थात साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी गाड़ी के, इक्का गाड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब इक्का गाड़ी है तो अब आपको पता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर इक्का गाड़ी की साक्ष्य प्राप्त हो गए, उद्योग धंधे करोगे तो अब आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, कुछ लिखना पड़ेगा, माल इतना माल वहाँ गया, इतना माल वहाँ से यहाँ आना है, उसने ऑर्डर किया, किसी का फोन आता है, भाई फला राम जी इतने इतना इतना माल हमारे यहाँ भेज देना, तो उसको नोट करोगे नहीं करोगे। अब नोट करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, पेन में किस क्या डालेंगे जब चलेगा ये, तो शाही, तो यहाँ से किसकी जवाब किसका पता चलता है हमें, यहाँ से शाही की, प्यारे दोस्तों शाही की दवात, किसके, शाही की दवात के साक्ष्य मिलते हैं, शाही की दवात के साक्ष्य मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, यहाँ से शाही की दवात के साक्ष्य मिलते हैं। अब शाही की दवात के साक्ष्य मिल गए, शाही की दवात के साक्ष्य मिल गए, लिख लिया आपने, नोट कर दिया, अब शाम को घर जाता है व्यक्ति, काम करने के लिए आता है तो घर भी जाएगा ऐसे ही, घर पे जा, सोचा घर पे उसकी लाडी है, उसकी लुगाई बैठी हुई है कि उसको कुछ करना है, कुछ करेगा तो अब घर जाएगा तो ऐसे उठ के थोड़ी चला जाएगा, लाडी है तो लाडी ने कहा कि मेरे को कुछ लेके आना, तो लेके आया तो गिफ्ट लेकर गया, क्या लेकर कर गया भाई, लाडी को कुछ करने के लिए, अपनी लाडी को कुछ करने के लिए क्या लेकर गया, वो लिपस्टिक, क्या लिपस्टिक, क्या लेकर गया भाई, लिपस्टिक लेकर गया, एक व्यक्ति अपनी लाडी को कुछ करने के लिए क्या लेकर गया घर पे, लिपस्टिक, और लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, ये एक व्यक्ति है, ये नौकरी करने आता है रोजाना, और ये घर गया तो इसकी लाडी यहाँ पर वेट कर रही है, क्या, कौन, इसकी लाडी ये यहाँ पर वेट कर रही है, भाई अब आएंगे, अब आएंगे, तो ये क्या लेकर गया यहाँ, इसके लिए लिपस्टिक लेकर गया, कौन से कलर की होती है लिपस्टिक, लाल कलर की होती है भाई, लाल ही बना कि लाल कलर की लिपस्टिक, ओ जाने मन लो पकड़ो कि क्या लाए, कि हम आपके लिए वो लाए जो आप रोजाना लगाते हो, ठीक है, तो ऐसा क्या है भाई, देखे तो सही, तो क्या लेकर गया, ये लिपस्टिक लेकर गया, किसको, अपनी लाडी के लिए। अब लाडी के लेकर ले गया तो उधर बच्चे भी थे, तो बच्चे नाराज हो जाए, क्या करें भाई, छोटा सा बच्चा है इसका, और ये कि मम्मा के लिए ले आए और बेटा के लिए कुछ नहीं, तो कहा जाता है कि ये जब घर पहुंचा तो बेटा नाराज हो गया, मम्मा को तो कुछ कर दिया कि लाडी को तो कुछ कर दिया, और बेटा नाराज हो गया, तो कहा जाता है हाथी, किसका प्यारे दोस्तों, ये बच्चे के लिए क्या लेकर गया, हाथी, हाथी का खिलौना, क्या लेकर गया, हाथी का खिलौना लेकर गया, खिलौना के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भाई हमें, यहीं से, कहाँ से, चनहुदड़ों से, तो इसके लिए क्या लेकर गया, ये हाथी का खिलौना, क्या लेकर गया, हाथी का खिलौना लेकर गया भाई, बच्चे के लिए क्या लेकर गया, हाथी का खिलौना लेकर गया। अब आपको पता है हाथी का खिलौना लेकर इसको चला गया, ले जाने के पश्चात अब बढ़िया जीवन अच्छे से चल रहा है, बढ़िया शानदार तरीके से, और क्या जानकारी मिलती है भाई, यहाँ से हाथी का खिलौना इसके लिए बच्चे के लिए ले गया,
इसके हाथी के खिलौने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? चनूदड़ों से। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चनूदड़ों से। चाय के दबाव के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चनूदड़ों से। उसके पश्चात मन के बनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चनूदड़ों से। कारखाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चनूदड़ों से। औद्योगिक नगर कहां कौन सा था? चनूदड़ों। तो ये सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। इसके पश्चात बात करें तो अब औद्योगिक नगर है तो घूमने जाएंगे, तो घूमने जाएंगे तो उसने कहा दुर्ग उर्ग में घूम के आते हैं, कहां जाए कि हमें यहाँ, तो उसने कहा कि ले कि घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं तो कहाँ जाएं कि दुर्ग गिन जाए। लेकिन कहा जाता है यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते। किसके साक्ष्य नहीं मिलते? दुर्ग के साक्ष्य साक्ष्य नहीं मिलते। क्या प्यार दोस्तों? दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है, नहीं दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलेंगे, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, ये ध्यान रख रहा। घूमने के लिए गए तो थे लेकिन कहा जाता है फूटा सा दिखा, इस कारण दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिले। और यहां से कहा जाता है अब कंडीशन क्या है, यहीं से देखा कि देखा तो एक व्यक्ति जब ये घूमने जा रहे थे दुर्ग के लिए, कहा गया कि दुर्ग की ओर चलते हैं तो दुर्ग के साक्ष्य है ही नहीं, यहां से कहां दुर्ग के साक्ष्य है नहीं। तो वहां पर क्या देखा इन्होंने? एक चित्र देखा, एक फोटो देखा। वो फोटो क्या देखा प्यार दोस्तों? बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के, किसके? बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले यहां से। किसके पीछे? बिल्ली। किसके के पीछे? बिल्ली के पीछे पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? कुत्ते के साक्ष्य मिले भाई। किसके साक्ष्य मिले? भागते कुत्ते के पीछे, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। और चीज़ें देखे क्या देखे भाई? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? और देखिएगा, यहाँ से झुकर जाकर संस्कृति की जानकारी मिलती है। झुकर और झाकर, किसकी? झुकर झाकर संस्कृति की जानकारी मिलती है, संस्कृति की जानकारी मिलती है। कि जानकारी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? चनूदड़ों से मिलती है, ठीक है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? चनूदड़ों से। तो क्या क्या देखा भाई? सबसे पहले चनूदड़ों की बात करें, चनूदड़ों की खोज किसने की? नानी गोपाल। किसने की? नानी के गोपाल ने। कब की? 1931 में। और उसके बाद नानी के गोपाल को अरेस्ट कर लिया किसने? मैके ने। कब कर लिया? 1935 में। अर्थात उत्खनन किसने करवाया? अर्नेस्ट मैके ने। उसके बाद ये कौन सा नगर था? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में क्या बनाया जाता था? मनके। मनके का मतलब क्या होता है भाई? मोती। मनके क्या बनाने का कारखाना था यहाँ पर? मनके बनाने का। मनके का मतलब होता है मोती। क्या होता है भाई? मोती। क्या होता है? मोती बनाने का कारखाना हुआ करता था। अब मोती यहाँ पर क्या है? औद्योगिक नगर है तो उद्योग धंधे होंगे ही सही। यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी और इसमें उद्योग चलता था। उद्योग में लाने ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी भाई? माल को ढोने की जरूरत पड़ेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो गाड़ी की आवश्यकता पड़ी। यहाँ से इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले। कौन सी गाड़ी के साक्ष्य मिले? इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और बात करें ये और क्या देखा हमने? हमने देखा यहाँ पर शाही की दवात मिली। लिखने झुकने का काम करने पड़ेगा, माल का ऑर्डर आएगा तो लिखोगे, तो किससे लिखोगे? पेन से। और पेन काय से चलेगा? स्याही से। तो स्याही की दवात के साक्ष्य हमें कहाँ से? चनूदड़ों से मिले। उसके पश्चात हमने देखा कि स्याही से लिख लिए, लिखने के पश्चात अब काम करने आता है मजदूर, हाराता का घर जाता है। हाराता का जाने के पश्चात जाके सो तोड़ी जाता है, खाना पीना भी होता है उसे, बीवी को बच्चों को प्यार भी करना होता है। बीवी को प्यार करने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या लेकर गया? लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो बीवी को ले गया तो बच्चे नाराज, बच्चे को क्या लेकर गया? हाथी का खिलौना लेकर गया। और इस कारण कहा जाता है इसने सोचा अब घूमने चलते, कहाँ चलते हैं? दुर्ग में। लेकिन दुर्ग तो है ही नहीं, अर्थात दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से मिलते ही नहीं, तो दुर्ग में घूमने नहीं गए ये। तो ये बगैर से बाहर ही निकले थे। बाहर निकलते क्या देखा इन्होंने? एक बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता। क्या देखा इन्होंने? कुत्ता बिल्ली के साक्ष्य मिले। और यहीं से झुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी? झुकर जाकर संस्कृति, अर्थात एक साथ शहरी यानी नगरी नगरी
वह ग्रामीण संस्कृति एक साथ, शुक्र जागर संस्कृति कैसे कहते हैं, ग्रामीण, ठीक है, शहरी और ग्रामीण संस्कृति एक साथ झुकर जाकर संस्कृति कहलाती है दोस्तों। ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है भाई, ये चहुदड़ों से प्राप्त होती है, याद रह जाएगा, पता रह पड़ जाएगा, तो ये थी आपकी चहुदड़ों सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है, हम जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सभ्यता, अब लिखते हैं कौन सी वाली, लोथल ले लेते, चलिएगा लोथल, कौन सी भाई, लोथल, कौन सी, लोथल, लोथल सभ्यता, कौन सी सभ्यता भाई, लोथल सभ्यता। और लोथल सभ्यता की बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो लोथल सभ्यता है, चलिएगा भाई यहां से ध्यान दीजिए भाई, क्या कंडीशन मिलती है प्यारे दोस्तों, यहां से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, लोथल, और लोथल कहाँ का स्थल है, ये गुजरात का, कहाँ का स्थल है भाई, लोथल कहाँ पर पड़ता है अपने, गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये, गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, इसकी खोज, और खोज किसके द्वारा की गई, रंग, किसके द्वारा, रंगनाथ, किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा की गई, किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में की गई प्यारे दोस्तों, कब की गई, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज 1954 में की गई, कौन सी सभ्यता की भाई, लोथल सभ्यता की, कहां पर, गुजरात में, और यहां से हमें भोगवा नदी के साक्ष्य मिलते हैं, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, नदी कौन सी है भाई, भोगवा नदी, नदी की बात करें तो कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे हमें इसकी जानकारी मिलती है, कौन से स्थल की, लोथल की। लोथल के बारे में कहा जाता है कि यहां ऐसी सभ्यता है जो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, किसके, चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य, किसकी, अब बात करते हैं चावल, किसके, चावल, चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं हमें, लोथल से प्राप्त होते, चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते, कौन सी सभ्यता से, लोथल से प्राप्त होते। और बात करें यहां चावल के साक्ष्य तो प्राप्त होते ही है, और इसी के साथ साथ बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते, चावल के साथ साथ किसके, बाजरे के, किसके प्यारे दोस्तों, बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते, प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते, किसके, बाजरे के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। चावल मिल गए, चावल खाने की चीज है, बाजरा भी खाने की चीज है, भाई बाजरे में ज्यादा एनर्जी होती है चावल से, और कहा जाता है ये दोनों एनर्जेटिक चीजें हैं, और ये सारी जानकारी कहां से प्राप्त होती है भाई, यहीं से प्राप्त होती है। और बात करें, और क्या बात करें, ये कौन सा कम था भाई, ये भी एक औद्योगिक नगर था, क्या था, लोथल भी क्या था, एक औद्योगिक नगर था, क्या था ये, लोथल भी औद्योगिक नगर था, क्या था, लोथल, लोथल, लोथल औद्योगिक नगर था, क्या था भाई, औद्योगिक, औद्योगिक नगर था, कौन सा नगर था भाई, ये औद्योगिक नगर था, कौन सा नगर था, ये औद्योगिक नगर था। लोथल की बात करें तो जब लोथल औद्योगिक नगर था तो यहाँ पर काम तो किए जाते होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे, और उद्योग धंधे विकसित होंगे तो कहा जाता है कि यहाँ से क्या, अर्थात जब उद्योग धंधे विकसित होंगे तो उद्योग धंधे विकसित होंगे तो यहाँ पर व्यापार के साधन भी होंगे, व्यापार के साधन भी होंगे, व्यापार के साधन भी देखेंगे अभी। अब बात करें यहाँ बाजरा मिला है, बाजरा मिल रहा है तो कहा जाता है कि यहाँ से बाजरा पीसने की चक्की मिली है, किसकी, बाजरा, बाजरा पीसने की क्या मिली है, बाजरा पीसने की चक्की, क्या मिली है, चक्की के दो पार्ट मिले, क्या मिले, दो पार्ट मिले हैं, ठीक है, बाजरा पीसने की चक्की के दो पार्ट, या और भी पीसते होंगे, वो चावल भी पीसते होंगे, बाजरा भी पीसते होंगे, लेकिन कहा जाता है यहां पर तो चक्की के दो पार्ट मिले हैं, कहां से मिले भाई, ये हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। ये भी कौन सा नगर था, औद्योगिक नगर था, यहाँ भी उद्योग धंधे चरम अवस्था पे हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे भाई, चरम अवस्था पर उद्योग धंधे हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करें, अब जब यहां से ये जानकारी मिलती है
तो ये अब उद्योग धंधे थे ही सही, तो अब उद्योग धंधे हैं तो नापेंगे तोलेंगे, तो माप तोल के पैमाने भी मिले हैं यहाँ से, क्या मिले हैं नाप तोल के पैमाने क्या मिले हैं भाई यहाँ से, नाप नाप तोल के पैमाने मिले हैं, क्या मिले हैं नाप तोल के पैमाने मिले हैं, क्या मिले भाई यहाँ से नाप तोल के पैमाने भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई, औद्योगिक नगर है और औद्योगिक नगर को कोई भी चीज़ तोलते होंगे, तोलकर बेचते होंगे, बेचकर कहा जाता है कि यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते होंगे, भेजे जाने के पश्चात कहा जाता है नाप तोल के साक्ष्य मिले हैं और नाप तोल के साक्ष्य के पैमाने मिले हैं, पैमाने मिलेंगे तभी तो यहाँ पर औद्योगिक नगर है। और देखिएगा हाथी दांत के साक्ष्य मिले, अर्थात यहाँ पर किसके हाथी दांत के साक्ष्य, साक्ष्य नहीं पैमाने मिले, किसके नाप तोल के जो पैमाने थे ये किससे बने हुए थे, नाप तोल के पैमाने हाथी दांत के, हाथी दांत के पैमाने मिले, किसके पैमाने मिले हमें हाथी दांत के पैमाने मिले, हाथी दांत के पैमाने मिले, पैमाने प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए भाई हाथी दांत के प्राप्त हुए हैं क्या पैमाने। अब कहा जाता है कि यहां से पैमाने प्राप्त हो जाते, पैमाने प्राप्त हो जाने के बाद ये तो आपको पता ही चल गया कि औद्योगिक नगर है, और औद्योगिक नगर है तो अब कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे विकसित होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ करता था, यहाँ पर भी मन के बनाने का कारखाना, इसका मन के बनाने का कारखाना क्या था भाई, यहाँ पर भी मनके बनाने का कारखाना था, क्या था भैया मनके बनाने का कारखाना था, ठीक है, अर्थात यहाँ भी मनके बनाने का कारखाना विकसित अवस्था में था। अब विकसित अवस्था में था तो जहां से किसके बंदरगाह, किसके बंदरगाह, किसके बंदरगाह, या बंदरगाह को क्या कहते थे, डॉक यार्ड के साक्ष्य भी मिले हैं, क्या मिले हैं डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ पर बंदरगाह था, विकसित अवस्था में था, और सर्वाधिक कहा जाता है यहाँ से क्या किया जाता था, यहाँ से इस तरीके से बंदरगाह से व्यापार किया जाता था, क्या किया जाता, आयात निर्यात किया जाता था, और यहाँ से हमें इसके डॉक यार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या जानकारी मिली है भाई, इसी से हमें शल्य चिकित्सा, किसकी शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती, किसकी शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है, क्या मिलती है शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, कौन सी सभ्यता से हमें लोथल सभ्यता से हमें शल्य चिकित्सा, अर्थात ऑपरेशन के बारे में यहाँ के लोग जानते थे, क्या जानते थे भाई, यहाँ से समुद्र की जानकारी मिली है, और समुद्र की देवी शिकोत्री का चित्र मिला है हमें, यहाँ से किसकी समुद्र की जानकारी मिली है हमें, किसकी समुद्र की जानकारी मिली है, और समुद्र के तट पर तो ये स्थल था ही सही, समुद्र की देवी शिकोत्री, कौन सी समुद्र की देवी शिकोत्री की जानकारी मिलती है, शिकोत्री समुद्र की देवी शिकोत्री माता की जानकारी हमें प्राप्त होती है, अर्थात एक प्रतिमा मिली है, इसकी क्या मिली है हमें समुद्र की देवी शिकोत्री की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है भाई प्रतिमा प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है शिकोत्री देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है भाई लोथल सभ्यता से प्राप्त हुई। अब देखिएगा हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या जानकारी हमें मिलती है, हमें जो जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों ये देखिएगा क्या है, ये क्या आप देख पा रहे हैं, ओ देख पा रहे हैं नेक्स्ट, ये बंदरगाह है, क्या है ये बंदरगाह है, ठीक है ये देख रहे हैं आप, ये बंदरगाह है, हाँ कहाँ का बंदरगाह है ये लोथल का, अरे का चलो कोई नहीं
नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं। चलिए भाई यहां से ढंग से देखिएगा, बड़े से ये देखिएगा आप, ये लोथल का बंदरगाह है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आपको लोथल का बंदरगाह, जिसके तीनों चारों ओर से पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब देखो यहां पर क्या क्या देखने को मिलता है तुम्हें। एक तो तुम्हें जो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये देखिए यहां पर नावें चल रही है। क्या चल रही है यहां पर? हमें जहां से नावों के साक्ष्य मिले, किसके? हमें नाव के साक्ष्य मिलते, किसके? नाव के साक्ष्य मिले। क्या नाव की, या नाव की जानकारी मिली है? ये नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए, नाव के साक्ष्य मिले। अर्थात जहां से नाव के साक्ष्य मिले, किस प्रकार से यहां पर सबसे व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये है आपका बंदरगाह। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक गेट है, ये गेट है, और ये पूरी की पूरी नदी है, ये समुद्र है। उधर से चारों ओर से, तीनों ओर से ये घुस घिरा हुआ, ये क्या है? ये है लोथल। क्या ये लोथल? कौन सा स्थान है ये? ये पूरा का पूरा बसा हुआ है लोथल, और इसके चारों ओर ये नदी और नाव है, घूम रही है। इनसे हमें पता चलता है, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये विदेशी व्यापार किया करते थे। कौन सा व्यापार किया करते थे? विदेशी व्यापार किया करते थे। और ये नावे के हमें जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ से जो लोथल है, ये लोथल है, लोथल जो स्थल है, लोथल जो स्थल है, ये तीन ओर से, कितने ओर से? तीन ओर से, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था भाई? पानी से घिरा हुआ था, घिरा हुआ था पानी से। क्या प्यारे दोस्तों? पानी से घिरा हुआ था, पानी से घिरा हुआ था लोथल जो स्थल है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ से हमें जहाज, सॉरी नाव के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं हमें? विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और यही डॉकयार्ड, इसी को क्या कहकर पुकारते हैं? ये क्या है? लोथल का बंदरगाह। ये क्या है यहाँ पर? ये बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। ये बंदरगाह है, इसी को क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसी को हम डॉक यार्ड कहकर संबोधित करते हैं। और यहाँ से ये देखिए सामान लाए जा रहे हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर ये पाल वाले जहाजों के साक्ष्य मिले। ये पल्याल बंदरी है, अर्थात पाल वाले जहाजों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। कौन से? पाल वाले, पाल वाले जहाज के साक्ष्य मिले हैं। के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले? साक्ष्य मिले हैं हमें। कहाँ से मिले भाई? लोथल से मिले हैं। ये सारी जानकारी, अर्थात पहले किससे चला करते थे जहाज? पाल से चला करते थे, यानी कि ईंधन वाला सिस्टम तो था नहीं, इंजन वगैरह का सिस्टम था नहीं। तो कहा जाता है कि हवाओं के माध्यम से ये ऊंचा पाल बांध लेते थे, और हवा जैसे जिस दिशा में चलती थी उस दिशा में ये क्या किया करते थे प्यारे दोस्तों? इस जहाज को बोर्ड दिया करते थे। तो वो कहा जाता है कि वहीं उसी दिशा में चला जाया करता था। ठीक है, और क्या साक्ष्य मिले हैं हमें? ये बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है ये, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब बात करते हैं और देखिए जहां से युग्म शवादान के साक्ष्य मिलते। क्या? युग्म शवादान के साक्ष्य। तीन, कितने मिले? तीन युग्म शवादान, शवादान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले भाई? ठीक है, युग्म शवादान क्या होते है? ये आपका क्या है? ये कब्र। और इस कब्र में एक तो भाई साहब दफना दिए गए, और इसके साथ बहन जी को भी दफना दिया गया। और बहन जी, ये देखिए बहन जी की चोटी है, और बहन जी को और भाई साहब को, दोनों को क्या कर दिया गया? एक ही कब्र में दफना दिया गया। क्या? ये कब्र। और इस कब्र में क्या गया? दोनों को दफना दिया गया। तो यहाँ से हमें युग्म समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते। कौन से स्थान से?
कहीं से, ठीक है। और देखिएगा और क्या देखिएगा, यहां से कौवे के साक्ष्य मिले हमें, किसके, कौवा के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले, कौवा के साक्ष्य मिले, और लोमड़ी के साक्ष्य मिले, किसके, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले भी, लोमड़ी के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात चालाक लोमड़ी की न्यास से प्राप्त होती है। कौन से स्थल से भाई, हमें जो जानकारी मिलती है ये लोथल सभ्यता से लोमड़ी, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं, और यहीं से हमें हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, किसके, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, किसके, हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं भाई, किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। अर्थात ये क्या करते थे, हवन कुंड करते थे, यानी कि अग्नि कुंड, क्या कहें इसको, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, हवन कुंड कह दे या अग्नि कुंड कह दे, इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई, हमें लोथल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी प्यारे दोस्तों। और देखिएगा तोल के लिए, तोलने के पात्र मिले हैं, तो माप तोल के पैमाने मिले हैं, ये सारी हमें जानकारियां कहाँ से मिलती है, लोथल सभ्यता से मिलती है, किससे मिलती है भाई, लोथल सभ्यता से ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। देखिएगा तो लोथल सभ्यता, देखिएगा लोथल सभ्यता की खोज किसने की, रंगनाथ राव ने, कब, 1954 में की, कहाँ पर की, भोगवा नदी में, गुजरात में की। चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं, बाजरे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ये औद्योगिक नगर था, मन के बनाने का कारखाना था यहाँ पर, किसका, मन के बनाने का, बाजरा पीसने की चक्की मिली है यहाँ से, दो पार्ट मिले, क्या मिले भाई, दो पार्ट मिले चक्की के, और कहा जाता है नाप तोल के पैमाने मिले, हाथी दांत के पैमाने मिले हैं, और क्या, मन के बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से, बंदरगाह, ये जो देख रहे हैं आप बंदरगाह का चित्र देख रहे हैं, या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले, यहाँ ऑपरेशन किया करते थे, ऑपरेशन के साक्ष्य मिले, अर्थात शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले यहाँ से, और समुद्र की देवी शिकोत्री माता की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, कहाँ से मिली है ये भी लोथल सभ्यता से मिली है, विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से तीन ओर से पानी से घिरा हुआ नगर देखने को मिलता है जो लोथल था, और पाल वाले जहाजों के साक्ष्य मिलते हैं, नाव के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर कई सारी ये नावें देखने को मिल रही है, ये जगह जगह नावें चल रही है भाई, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ ये नगर था, इस प्रकार से यहाँ की नगर व्यवस्था हुआ करती थी, ये पूरा का पूरा बंदरगाह या इसे डॉकयार्ड कहते हैं भाई के। और बात करें तो यहाँ से तीन युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, युग्म समाधान, अर्थात काकाजी और काकी जी को एक साथ ही दफना दिया गया, तो ऐसा साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से कौवा के साक्ष्य मिले, लोमड़ी के साक्ष्य मिले, हवन कुंड के साक्ष्य मिले, और अग्नि के साक्ष्य भी, अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से मिलते हैं, हमें लोथल सभ्यता से हमें इसकी जानकारी मिलती है। आ गया प्यारे दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक एक चीज आपके सामने पानी की तरह क्लियर है, और ये कहां से प्राप्त होते हैं हमें, लोथल सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, लोथल सभ्यता से, जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ, और इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही काफी प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हम आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार प्यारे दोस्तों।